मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो अब जिसके असबाब खुफिया होते हैं ना, इसकी भी दो किस्में हैं। इस पे तो मैं कह रहा हूं अलग से क्लिप बनाओ। जादू किसे कहते हैं ये अलग से, तफसीर के अलावा भी अलग से क्लिप बनाना, ताकि जादू के नाम पे जो लोगों ने रूहानियत के धंधे शुरू किए हुए हैं ना, तो इस किस्म के जादू के ना जिसके असबाब मख्फी हों, इनकी कितनी किस्में हैं? दो। एक तो वो के असबाब साइंटिफिक ही होते हैं, इधर तवज्जो भाई, एक तो वो के असबाब उसके साइंटिफिक ही होते हैं लेकिन वो आम आदमी की समझ में नहीं आते, वो माहिरीन जानते हैं। जैसे मैजिक शो जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, टांगे काट दी, कबूतर बना दिया, इसके पीछे जिन्नात का कोई अमल दखल, बोलो ना, नहीं होता। लॉजिक होती है, आप उनसे सीखो तो बता देंगे भाई कबूतर नहीं है, पहले से यहां छुपा के लाए हुए थे कबूतर, यहां से हमने कबूतर निकाला है, ठीक है ना। तो एक मैजिक शो मैंने देखा, एक आदमी दो आदमियों में तकसीम हो जाता है बिल्कुल उस जैसे, पता फिर रिसर्च पता चला ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक जैसी शक्ल एक जैसे कपड़े, तो ये इस तरह से खड़े हुए थे, एक लग रहे थे, अब यूं है तो दो, वो आदमी सर पटक के रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। तो दूसरा जादू वो होता है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। अब काम चूंकि जिन्नात कर रहे होते हैं और जिन्नात आम आदमी को नजर नहीं आता, रिजल्ट सामने आ रहा होता है, पीछे जिन नजर और अल्लाह का शुक्र अदा करें नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि जिन नजर आ जाए फिर बंदा वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है ना, जिन नजर आता ही नहीं है। तो वो ये होता है, ये वाला जादू ये होता है जो जिन्नात के जरिए, कि जिन्नात में शरारत गालिब है और ये इंसानों के, शैतान जिन ही है ना, इसमें शर का उनसर खैर से गालिब है। तो ये नेक बहुत कम होते हैं, शरीर इनमें ज्यादा होते हैं, तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मगर ये इंसान से डरते हैं। कुरान से ये बात साबित है सूरह जिन में, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फजादूहुम रहाका, कि इंसानों ने जब जिन्नात से डरना शुरू कर दिया तो जिन्नात की सरकशी बढ़ गई, वरना ये इंसान से डरते हैं। इंसान की, अल्लाह ने इंसान को सलाहियतें दी हैं, ताकतवर होना अलग चीज़ है, रोब होना, जिन्नात में ताकत होती है मगर रोब इंसानों का ही जिन्नात पे ज्यादा है। तो होता ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं, बाज लोग एक फन के जरिए उन, वो क्या करते हैं कि उन शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, और शरीर जिन्नात को खुश करने के लिए, जैसे एल्यूमिनेटी वगैरह का आपने सुना है ना, कि कुछ दुनिया में ऐसी तहरीकें हैं जो शैतानी हैं, तो वो आपसे, आपका, आप उनका मेंबर जब बनेंगे, जब आप कोई बहुत ही वहशतनाक काम करेंगे, तो जब वो शैतानी काम आप करते हैं तो आप उसका मेंबर बन जाते हैं, वो कि भाई ये अब हमारा बंदा है। वो हत्ता के सुना है कि अपनी वालदैन का भी कत्ल करवा देते हैं आपसे, कि अब माँ को मार दो, बाप को मार दो, यानी सारे वहशियाना अमल करा के वो कहते हैं अभी हमारा क्या हो गया है पक्का। फिर वो आपको ठीक ठाक कमीशन देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, वो कहते हैं अब ये, अब हम जो करेंगे ये करेंगे। वरना जाहिर है दहशतगर्द से काम लेने में भी, उस दहशतगर्द के सीने में भी तो दिल होता है ना, एक मकाम पे आके हो सकता है वो रुक जाए, भाई मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ। आपको पता है जिसने जापान पे एटम बम गिराया था, कहते हैं वो खुद नफसियाती पागल हो गया था, वो इतने जब लोगों की उसने तबाही देखी है। तो जुल्म करना भी हर आदमी के बस में नहीं होता। तो शयातीन से काम लेने के लिए बाज ऐसे वहशतनाक काम किए जाते हैं, उससे जिन्नात खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन्नात चाहते हैं दुनिया में कुफर फैले। तो आप जब कुफर को फैलाने की कोशिश करते हो और बहुत ही वहशतनाक काम, तो फिर जिन्नात खुश होते हैं। ऐसे मौके पे उन जिन्नात को एक मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज जो है ना जबान से नहीं दिया जाता, वो कोई घिरा लगा के, किसी का नाम पढ़ के या उसका पुतला बना के, ठीक है ना, उसमें जैसे सुइयां लगा दी, तो सुइयां इस बात की अलामत होती है, जिनको बताया जा रहा है इसके पूरे जिस्म को इस तरह से खराब करो, और वो उसी के शक्ल का पुतला एक मैसेज होता है कि ये बंदा है, इसको फोकस करना है। अब उनमें ऐसे, जैसे माज अल्लाह नकले कुफर बोलते हुए भी डर लगता है, नजासत से कुरान लिखना, ये तो बहुत ही गंदा अमल है ना, तो जिन्नात इससे खुश हो जाते हैं। उल्टा कुरान लिखना, मासूम बच्चों की कब्रिस्तान से हड्डियां निकालना, अब जाहिर है बच्चा, एक तो वैसे ही बच्चा, फिर वो जब मर जाता है तो और काबिल तरस होता है, तो उसकी हड्डियां निकाल के ऐसे अमल करना, गंद खाना गोबर, ये जादूगर गोबर भी खाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, गंद खाते हैं, क्योंकि एक तो सुअर खाता है ना इंसान, वो तो फिर भी दुनिया में बहुत से, लेकिन गू दुनिया में कोई भी नहीं खाता, तो ऐसा वहशतनाक अमल के गू खाना। एक लांडी में दो जादूगरों का फड्डा हो रहा था, मुझे एक साहब ने खुद बताया, जो वो इलाज करवा रहे थे, उनसे जादूगरों से इलाज कराने, हमाकत देखो,
तो वो फड्डा उनका हो गया, तो वो कह रहा तू कितना गुह खाता है बता। वो कह रहा मैं इतना खाता हूँ, इतना मैं, वो बता रहा मैं इतने किलो खाता हूँ, तू मेरे से बहस कर रहा है। इनके मुकाबले ऐसे होते हैं कि तू कितना बड़ा जादूगर होगा, तू एक गुह का लड्डू खाता है, छह छह लड्डू खा जाता। तो ये इनके, तो ये होते गंदे मैले कुचैले, हिंदुओं में ये ज्यादा है। तो जितना गंद में रहते हैं, जितने वहशियाना अमल, खून पी रहे हैं जी, सही है ना, जिंदा मुर्गे का खून पी रहे हैं, ऐसे वहशियाना अमल करते हैं, तो उससे शैतानी कुव्वतें इनके करीब जमा हो जाती हैं। तो फिर ये उसको मैसेज देते हैं ये करना है, तो वो भी 100% उस मैसेज पर अमल नहीं करते, बल्कि उसमें भी ये सबब ज़ईफ है ना, जिन देखता है कि जिस सामने वाले को तंग करना है, तो जिन पहले देखता है मुझ में इतना तप्पड़ है कि मैं इसको तंग करूंगी भी कि नहीं करूं, तो वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी देखता है। जैसे कुरान में आता है ना कि जिन्नात से जब इंसानों ने डरना शुरू किया तो जिन्नात इन पर हावी हो गए। तो सामने वाला अगर दीनदार है, कॉन्फिडेंस है, वो नहीं इन चीजों में पड़ता, तो फिर जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, वो डरते हैं। वो जादूगर उनको मैसेज देता भी है तो नहीं जाते वो। और अगर जिन देखता है सामने वाला वैसे ही कमजोर है और उसका अकीदा भी कमजोर है, फिर जिन्नात उसको तंग करते हैं। ये बात जो मैंने दावा किया इसकी एक मिसाल से समझाता हूं तो समझ में आएगी इंशाल्लाह। हम लोग एक गांव में गए, एक बुजुर्ग की कब्र थी, तो उस बुजुर्ग की कब्र पे वहां गांव वालों ने कहा कि यहां इन बुजुर्ग की कब्र के करीब जो भी लेटता है, ये बुजुर्ग उसको धक्का देते हैं और वो कलाबाजियां खाते हुए कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। हमने कहा कोई ड्रामा है, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग, पहली बात तो वो बुजुर्ग तो जिंदगी में धक्के नहीं देते थे, मरने के बाद लोगों को धक्के क्यों देंगे, और फिर कब्र में मुर्दे में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो कब्र के बाहर निकाल के धक्का दे लोगों को, टांग मारे। उन्होंने कहा टांग मारते हैं, लात मारते हैं, वहां जाके लगते। हमने कहा सेंसलेस बातें हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप खुद जाके देख लो, ऐसा होता है। फिर हमने कहा यार ये बुजुर्ग जब दुनिया से गए थे, इनको जब नहला रहे थे तो उस वक्त लात क्यों नहीं मारी इन्होंने? भाई किसी को भी जब मर जाए तो जैसे चाहो नहलाओ बेचारे को। तो आज के बाद तो लोग बुजुर्गों को गुसल देते हुए डरेंगे कि यार अगर थोड़ा सा मतलब सतर खुल गया कुछ हो गया तो थप्पड़ ना लगा दें। तो मैंने कहा भाई ये नहीं होता, जो मर गया वो भी बेचारा गया। बुजुर्ग तो जब जिंदा होते हैं उस वक्त लात नहीं मारते, तो मरने के बाद कब्र के अंदर से क्यों मारेंगे? उन्होंने कहा तुम्हारा ईमान कमजोर है। अब हम जब वहां गए खड़े हुए, तो वो गांव के इतने मोटे मोटे दीनदार थे, दाढ़ियां थी उनकी, जब वो कब्र पे लेटे हैं ना, 2 मिनट उन्होंने आंखें बंद की हैं, उसके बाद वाकई हमें साफ पता चल रहा था ये फेक नहीं है, इनके साथ हो रहा है। एकदम धक्का लगाए कलाबाजियां खाते हुए कब्रिस्तान की दीवार, इतना दूर नहीं थी, चंद मीटर दूर थी, दीवार से जाके लगे हैं वो। उन्होंने कहा देखो, अच्छा हमें पता था शैतानी तसर्रुफात है। फिर दूसरा बंदा लेटा, वो लड़ गया, मेरी बारी आई, मैं लेटा, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो, मैंने फातिहा पढ़ी। उन्होंने कहा ये पढ़ो, उन्होंने कहा खुद थोड़ा सा लुढ़क भी जाओ, मैं लुढ़क भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जामिया के एक और उस्ताद थे, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो ईमान ही ठीक नहीं है, बुजुर्गों पे ईमान नहीं है। मैंने कहा आप जरा लेटो दोबारा, जो पहले लुढ़का था ना, जो बड़ा कर रहा था कि ये बुजुर्ग है, वो लेटा, उसको भी धक्का नहीं लग रहा। वो उठा कह रहे तुमने तो ये सारा सिलसिला ही खत्म कर दिया यहां से। फिर हमने कहा भाई बात ये है कि ये बुजुर्ग नहीं है, जिन्नात ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां उनकी दाल गलती है। जिन्नात को इंसान से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता है ये अकीदा खराब करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दे। तो उसको पता है ये मजार है, यहां मैं अगर लोगों को कलाबाजियां दूंगा तो इनमें शिर्क फैलेगा। शैतान तो है ना शिर्क फैलाने के लिए। तो ये इस बुजुर्ग के बारे में इनका अकीदा मजबूत होगा, आज सिर्फ लातें पड़वा रहे हैं, कल इनसे दुआएं मांगना भी शुरू कर देंगे। तो जब 2 तौहीद परस आए और जिन्नात को अंदाजा हो गया, तो जिन्नात को यकीन हो गया कि इनका इन बुजुर्ग पर ईमान नहीं है, तो जिन्नात ने हमें लात भी नहीं मारी। हालांकि लात हमें भी मार देते, हम क्या बिगाड़ लेते, बल्कि मुझे तो 1,00,000 लात लगती तो आज मैं ये वाकया डर से सुना भी ना रहा होता कि कहीं दोबारा आके लात ना लगाते एक और, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह टूटा फूटा ईमान है, इसलिए ये जिन्नात वाली दाल यहां घर गल नहीं रही। और मैंने कहा वैसे भी अगर लड़क थप्पड़ पड़ रहे हैं या लाते लग रही है तो बुजुर्ग थोड़ी करेंगे, ये शैतान कर रहा है यहाँ पे। तो लेकिन वो उसके बाद से रिपोर्ट थी कि अब किसी को लात लग नहीं रही। हो सकता है फिर बार बार लोग इतना आ रहे हो, फिर जिन्नात ने शुरू कर दिया हो। तो ये मजारों पे जो उल्टी सीधी चीजें हो रही होती हैं, ये सब जिन्नात कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप आमिलों के पास जाके इलाज शुरू करवा दें,
आमिलों के पास जाने से अक्सर खतरा ये होता है कि जिन्नात कहता है कि ये आदमी और ज्यादा कमजोर हो गया है, फिर ये अमलियात वमलियात और जिन्नात उसको और परेशान करते हैं। इसका हल ये कि उनको मायूस कर दो कि भाई तू थप्पड़ मार, तू लात मार, मैं ऐसे का ऐसे ही, ठीक है ना, खुद ही थोड़े दिनों में अपनी फाइलें लपेट के वो भाग जाते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्या हो गया भाई, 10 मिनट रह गए? अच्छा है ना, अभी 2-4 जिन्नात और भी मार्केट में ला सकते हैं हम। तो ये जादू की हकीकत समझने की कोशिश करें। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, इस तरह जिन्नात का इस्तेमाल करते हैं खुफिया तरीकों से। जिन्नात को मैसेज दिया जाता है, फिर जिन्नात जाते हैं और काम करते हैं, दिलों में वसवसे पैदा करते हैं और जिन्नात मुसल्लत भी हो जाते हैं, परेशान भी करते हैं। जो हम देखा है जिन लोगों पे जिन आया हुआ होता है उनकी हालत क्या होती है, तो उसमें यही है कि भाई सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। हदीस में आता है आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान नहीं आता, और हर चीज़ जिन्नात के खाते में मत डालें। इतना आसान नहीं है जिन्नात से काम लेना। और जो जादूगर इस तरह से जिन्नात को इस्तेमाल करते भी हैं तो जिन्नात उनके कब्जे में नहीं आते, बस एक मैसेज दिया जाता है, जिन्नात वो काम कर लेते हैं। खुद उस जादूगर को भी डर होता है, जिन्नात उसको भी पकड़ के कूटते हैं तबीयत से। जी ठीक है ना, हकीकत है, इनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्योंकि बास हमारे मदारिस के तलबा जो है ना, वो फारिग होने के बाद सोचते हैं मामिल बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए सीधा सीधा चलते रहो। और सास बहू के झगड़े हैं तो किसी में फॉल्ट है, उसको ठीक करें। मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो जिन विन जादू पर ना डालो भाई, आपकी अपनी लोग आजकल एक दूसरे के हकूक अदा करते ही नहीं हैं, तो जब हकूक अदा नहीं होंगे तो झगड़े तो होंगे ना। जो भी इसमें तो दीनदार बेदीन सब बराबर हैं। जहाँ घर में मसला है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कर दिया, तो किसी का कुछ करना भाई इतना आसान नहीं है, निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जादू के बारे में एक अहम बात थी जो मैंने आपसे की थी। तो ये जादू की दो, अच्छा हाँ, ये जो जादू की पहली किस्म है ना, पहली किस्म के साइंटिफिक असबाब होते हैं लेकिन वो खुफिया होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। ये वाला जादू कुरान से भी होता है, ये जहन में रखें। बाज आमिल क्या करते हैं, आपसे कुरान की आयतें पढ़वाते हैं, आप समझ रहे होते मेरा इलाज हो रहा है। वो आप जब आयतें पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, एक बात बैठती है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सूरत इतनी दफा पढ़ो हो रहा है, और वो आपको ऐसा लगता है कि हो गया, वो दिमाग में ख्याल घुसा दिया जाता है। एक आमिल था, हमारे उस्ताद ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा यार ये तू, वो हुआ यह था कि एक मियाँ बीवी थे, उनके औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने बुला लिया उन दोनों को। वो ऐसे ही इलाज करता था, इलाज क्या करता था, औलाद वाला फिर भी नहीं हुई, औलाद जादू से हुई तो होती नहीं है। वो जब दोनों आ गए तो उसने ड्रामा क्या किया, अंधेरे कमरे में दोनों को ले गया, और पता नहीं एक दरख्त बनाया हुआ था, एक अजीब, ये अब ये क्या है, मिसमेरिज्म हो रहा है, ख्याल ही ना दिमाग पे काबू पाया जा रहा है कि कुछ इनको दिखाओ, कुछ हो रहा है अजीब सा। उन दोनों से कहा कि ऊपर की कमीज पहनो, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, दोनों से कहा अपनी शलवारें उतार दो, सिर्फ कमीज उनकी लंबी थी, कमीज पहनो। अब जाहिर है वो उनको लगेगा कुछ हो रहा है, अब लेकिन है जो कि मियां बीवी दोनों साथ ही खड़े हुए। फिर उनसे कहा कि अब इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत पढ़ो बार बार। हालांकि इस सूरत का औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ना ये एक ऐसी सूरत है, उनको लगेगा कुछ अजीब सा हो रहा है। कुलुवल्ला कह देते वो नॉर्मल सब पढ़ते हैं, तो इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये आमिल खुद बता रहा है हमें कि मैं ये अमल करवाता हूँ और इसमें होता कुछ भी नहीं है, इनका अपना दिमाग में कैप्चर कर लेता हूँ इस अमल के जरिए, फिर जो इनके दिमाग में डालूँ आ जाएगा। अब वो पढ़ रहे हैं इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, उसने कहा इतनी दफ़ा पढ़ो, पढ़ते 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 उसने कहा और तेज होते 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 एकदम एक मटका आया है, धड़ाम से गिरा है, आवाज आई है, वो टूटा है, उसमें इन दोनों के पुतले और उसमें सुइयां और गंद बला भरा हुआ है, खून के चीथड़े बीटते टूट गया। उसने सुकून का सांस लिया, उसने कहा ये जादू था जो मैंने खत्म कर दिया, आपके पुतले पे सुइयां थी और खत्म। वो दोनों मुतमईन हुए, घर चले गए, औलाद तो होनी नहीं होनी, वो अगर हुई होगी तो अल्लाह की मर्जी से हुई होगी, तो वैसे ही किसी के हो ही जाती। हमारे उस्ताद ने पूछा यार ये क्या, उसने कहा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं था। ना कोई मटका था, ये मिसमेरिज्म एक फन है, आपके दिमाग को कैप्चर करके आपको ऐसी चीजें दिखा देंगे जो होंगी नहीं। सहारू आयुनन नास है ना कुरान में, जैसे जादूगरों ने रस्सियों को जब फेंका है तो लगा क्या कि ये सांप बन गई, हालांकि हजरत मूसा कलीमुल्ला समझ रहे हैं कि सांप बन गई है, डर भी रहे हैं, हालांकि सांप थोड़ी थी। तो ये वाला जादू जो है ना,
इसके लिए कोई भी अल्फाज दोहराए जाएं जिससे आपको ये लगे कि कुछ हो रहा है, उससे आप एक नफसियाती तौर पर ना एक हिसार में आ जाते हैं। तो उसमें कुरान भी पढ़वाया जा सकता है, कोई हिंदी के संस्कृत के कलिमात भी, हिंदू ये क्या करते हैं संस्कृत जबान में पढ़ाएंगे, घोड़े बिल्ले गधे घोड़े सारे मिलाएंगे, वो आदमी समझता है भाई कुछ है जादू वादू। हम बचपन में जब करते हैं अंतर मंत्र कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये अंतर मंत्र कली कलंतर, तो वो कुछ भी। अब मैंने जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह मुफ्ती साहब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, इन्होंने कह दिया कुरान से जादू होता है, कुरान से तो जादू खत्म होता है और ये कह रहे हैं कुरान से क्या होता है जादू होता है। तो मेरी बात का मतलब समझो, ये आमिल लोग आपको उल्लू बनाएंगे, कुरान की आयतें पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जादू खत्म हो रहा है, हालांकि वो मिसमेरिज्म हो रहा होता है, आप खाम खामे आ जाते हो मुझ पे कुछ है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने हकामुल कुरान में लिखा है कि ये कुरान से भी मिसमेरिज्म की, वो उसमें कुरान बराए कुरान नहीं होता, उसका मतलब कुछ भी कलिमात पे लगा दो जिससे इसको ये हो के कुछ हो रहा है, तवज्जो मरकूज करने के लिए, वो कुरान से भी ये कुछ भी, जितने अजीब कलिमात होंगे ना कुरान, जो आमिल लोग हैं वो कुरान इसलिए बताते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि बहुत मुबारक कलिमात हैं और ये तो इलाज ही कर रहे होंगे, हालांकि वो इलाज नहीं होता। अब ये कुरानी सीडी आई थी, उसमें क्या था, बहुत तकसीम हुई है वो मुख्तलिफ कारियों की आवाज में, ये सूरत आप इतनी दफा डेढ़ घंटे तिलावत करें तो आप पे जादू खत्म हो जाएगा। अब लोगों के साथ जादू हो रहा था, मैंने लोगों को बताया, मैंने उस सीडी के खिलाफ बयान किया, लेकिन मेरे खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। हमने कहा जाओ वाड़ में, तुम्हारी जब समझ में नहीं आती बात तो छोड़ो, फिर कारोबार करो। ये वो कुरानी सीडी ये होती थी कि कई सारी सूरतें वो कारियों की आवाज में आप बैठ जाओ। अब जाहिर है उसको सुनने के लिए वो बैठेगा जिसके का पहले से अपने बारे में वहम होगा कि मुझे क्या है जादू। अब वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे, और ये भी है कि मुझ पे जादू है और उसका इलाज हो रहा है, तो एक डेढ़ घंटा जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ किसी चीज को सुनते हैं तो आपकी थोड़ी देर में तबीयत नॉर्मल नहीं रहती, यकीनन सर चकराएगा या उल्टी आएगी, ये होता है। अब उसकी सीडी को सुनने के बाद बहुत से लोगों के साथ ये हुआ, एक उन्होंने कहा अगर कोई चक्कर नहीं आ रहे, उल्टी नहीं हो रही, इसका मतलब जादू नहीं है, ठीक है ना, आप नॉर्मल हैं, और अगर उल्टी आ रही है चक्कर हो रही है आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पे जादू है, और ये उल्टी जब होगी तो निकल जाएगा जादू। अब क्या हुआ, उस सीडी से बेवकूफ लोग कैसे बने कि जी घंटा बैठ के सोच रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का, जाहिर है एक घंटे तक इस तस्वुर के साथ कि मुझ पे जादू है और वो ठीक हो रहा है, तो तबीयत खराब होती है लोगों की, खराब होके जब उल्टी लगती है ना, तो उल्टी का ये उसूल है कि जब भी मतली आ रही हो और आपको भर के उल्टियां हो जाए ना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, ये एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है। तो उससे जब लोगों के चक्कर आना शुरू हुए, चक्कर आने के बाद जब उल्टियां हुई हैं भर भर के रिलैक्स हो गए, तो वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जब आपको ये उल्टियां हो जाएंगे समझ लो जो भी गन था जादू था वो अब क्या हो गया है निकल गया, सब बकवास उल्लू बनाने वाली बातें। और हमारे यहां माशाल्लाह क्या तबलीग वाले, क्या खानकाह वाले, क्या मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े बुजुर्गों को, मुफ्तियों को मैंने देखा, वो सीढ़ियां तकसीम हो रही हैं और जनाब ताजर लाखों लाखों रुपए की सीढ़ियां फ्री में बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त बयान किया, मैंने कहा भाई नहीं होता ऐसे, अल्लाह के बंदो एक एक घंटे तक जब एक फ्रीक्वेंसी के साथ सुनोगे तो उल्टी ना होना इसकी अलामत है, तुम पे जादू है, ठीक है ना, नॉर्मल थोड़ी हो तुम। तो वो उल्टी जब होगी तो अब वो खाम खामे वहम हो गया कि जो है वो मैं ठीक हो गया हूं। तो जब भी किसी, हमने बच्चों को देखा है, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, जब उल्टी होती है ना एकदम बच्चा खिलखिलाना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो उल्टी के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए भाई ये फजूल चीजों में मत पड़ो, कुरान से इलाज करना है तो जादू ये सीढ़ियां सुनने की जरूरत नहीं है। सूरह फलक सूरह नास तीन दफा पढ़ के दम करो, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। तो ये जो मैंने कहा था ना कुरान, अब हकीकत में क्या है कि जादू इन पे हो रहा है क्योंकि इनको उल्टी तो हो रही है, उल्टी का सबब इनके मालूम नहीं है, और वो सबब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ तिलावत का सुनना। तो अल्लामा जफर अहमद उस्मानी की बात का मतलब समझ में आया कि कुरान से जादू होता है, ये वाला जिन्नात वाला जादू नहीं होता, क्योंकि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो जिन्नात तो भाग जाते हैं उससे, लेकिन ये वाला जादू जिसके असबाब मख्फी हो और नतीजा आपके सामने आ रहा हो, वजह मालूम ना हो, ये वाला जादू कुरान से होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कुरान असल में तो जादू के इलाज के लिए है, लेकिन कोई उसको, जैसे एक शहद जो है ना वो तो शिफा के लिए है ना, वो बीमार के लिए, बीमारी के लिए भी, शुगर के मरीज को खिला दो मर जाएगा वो, ठीक है ना,
और फिर कहें कि अब अगर मैं बयान करूं कि ये मरा शुगर का मरीज इसलिए कि इसने शहद पिया, आपको अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान में तो आता है शहद में लोगों के लिए शिफा है और मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये शहद पीने से मरा है, तो ये आपके बेवकूफ़ होने की दलील होगी कि आप किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ क्लिप बने हैं उस वक्त, और मैंने एक मुफ्ती साहब को हवाले भी दिए, उन्होंने कहा भाई हवाले के बगैर, मैंने अल्लामा ज़हर उस्मानी की इबारत निकाल के दे दी, ये देखें, फिर भी नहीं माना उन्होंने, फिर भी नहीं माना, कह रहे हैं आप अपनी तरफ से बातें फेंकते हो, दलील नहीं होती, मुताला नहीं होता, बस ऐसी कुरान से तो जादू का इलाज होता। मैंने कहा ये वाली किस्म जो जादू की है, मिसमेरिज्म वाली, ये कुरान से भी होती है। तो इसलिए ये जो आमिल लोग आपको कहते हैं ना ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ो, कोई भरोसा नहीं है कि उस आयत के रिपीट बार बार करने से आपका खोपड़ी घूम रही हो, ठीक है ना। एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब कुछ भी सुनेंगे आप तो उसमें खतरा, और खासतौर पर इस वहम के साथ के मुझे कुछ है तो खतरा होता है। तो जादू की सारी किस्में खुलासा बता दूं भाई, जादू की डेफिनेशन क्या है, एक कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हो, समझ में ना आ रहे हो, इसको जादू कहते हैं। और फिर जादू की दो किस्में, एक तो वो नज़र का धोखा होता है जो मैजिक शो सुबह शाम हो रहे होते हैं, मिसमेरिज्म भी हो जाता है जैसे मैंने बताया, और दूसरी किस्म जिन्नात से काम लिया जाता है। लेकिन ये जादू की जितनी किस्में हैं इनके असबाब असबाब ज़ईफ़ा में से हैं, उमूमन नतीजा मुरतब इन पर नहीं होता, ठीक है ना, और ज़्यादातर नतीजा, इसलिए इसमें तवक्कुल का तकाजा ये है कि बस अल्लाह पे एतमाद किया जाए, इन चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ा जाए, जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो उनको के साथ ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। और एक और आखिरी बात दिमाग में आई थी, बहुत अहम बात थी, वो हो जाएगी तो बात ही कंप्लीट हो जाएगी, निकल ही गई यार, अभी करने ही लगा था। मियां बीवी के अक्सर केसेस में ना झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं जादू है, मैं कहता हूं भाई अपनी हरकतें ठीक करो, तो फौरन लोग दलील देते हैं, कुरान में आता है युफर्रिकून बिही बैलल मरई व ज़ौजी, यहूदी जादू के जोर से मियां बीवी को लड़वाते थे, तो इसका मतलब है मियां बीवी को लड़वाने के लिए जादू बड़ा असर रखता है। तो यहां भी खूब समझें कि मियां बीवी में भी तफरीक जादू से होती है, लेकिन असबाब ज़ईफ़ा में से अक्सर नहीं होता ये। दूसरा, इसमें जादू की दूसरी पहली किस्म भी मुराद हो सकती है कि मियां बीवी में किसी ने गलत फहमियां पैदा कर दी, असबाब ऐसे असबाब जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, यानी ऐसे काम कर दिए कि शौहर को बीवी पे शक होने लगा, बीवी को शौहर पे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पर लड़की बन के किसी मर्द को फोन कर लो और बोलो तुमने मुझसे वादा किया था, और खातून सुन लें तो वो तो बदगुमान हो जाएगी ना। तो इसी तरह जैसे टांगे दो हिस्सों में तोड़ दी, हालांकि पीछे एक ट्रिक होती है, तो ऐसे ही बाज़ दफ़ा ऐसा यहूदी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन मियां को बिला वजह बीवी पे शक होना शुरू हो जाए, वो इतनी गहराई में जा ना सकता हो। तो इसलिए अगर मियां बीवी में ऐसी बदगुमानी हो ना, तो ये देखा करें भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमारे साथ खामखा में बदगुमान कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा गहराई में जाके गौर किया करें। तो ये वाला जादू भी होता है कि एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता है ऐसे काम करके, जो वो काम हुआ नहीं होता लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो हुआ है। तो जब आप उसकी तहकीक में जाओगे, गहराई में जाके इंक्वायरी करोगे, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी गलतफहमियां फैलाई जा सकती है, समझ रहे हैं। चलें, ये मौजू कंप्लीट हो गया, बस काफी है।